तुम्हें भूख लगती रहेगी। हाँ, अब अगर मैं तुम्हें काली शक्तियों से रंग दूँ तो तुम इस दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा बन जाओगे। नहीं, ये काली शक्तियाँ तुम्हारे लिए। लो, मेरा स्पेशल सैंडविच बनकर तैयार है। ये तो बहुत 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 टेस्टी लग रही है। सुजैन, मुझे थोड़ा चखने दो ना। इस बार नहीं। तो फिर ये सैंडविच किसके लिए है? मैं कल ये हैरी को देने वाली हूँ। मैंने सब परेशानियाँ पार कर ली। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे अपने सैंडविचेस पर पूरा भरोसा है। ये कितना अच्छा है, ये पता लगाने के लिए इसे खाना ही पड़ेगा। अब उन्हें ये जज करके बताएगा कि हैरी को ये सैंडविच पसंद आएगा कि नहीं, ठीक है? ये नहीं होने वाला। अब उनको ये बेकार सैंडविच नहीं खाने का है। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। पक्का विक्की ने खाया है, मुझे पता था यही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, अपुन ने वहाँ कहीं नहीं खाया। तुम पकड़े गए विक्की। क्या मतलब है कि चोरी पकड़ी गई? तुमने अपुन को खाते हुए देखा? देखा क्या? अगर तुम खुद भी देती तो भी अपुन ये बेकार सैंडविच बिल्कुल नहीं खाता। क्या कहा तुमने? हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि वो गायब हो गया, वरना सोच कर देखो हैरी उसे खाकर कितना मायूस हो जाता। मैंने अपने दिलों जान से बनाया था वो सैंडविच हैरी के लिए। एक सेकेंड, तेरे जान से बनाया था वो दुनिया का सबसे बेकार सैंडविच, कौन खाएगा उसे? ठीक है तो विक्की, इसे चखो। और अब से मैं तुमसे कोई टेस्टी चीज कभी शेयर नहीं करूंगी। विक्की, विक्की, क्या तुमने वाकई वो सैंडविच नहीं खाया था? अगर अपुन ने सैंडविच खाया होता तो अपुन इतना गुस्सा नहीं होता। कुछ गड़बड़ जरूर है, मैंने पूरे दिन से मैक्स को नहीं देखा। आखिर वो कहाँ है? तुमने मैक्स गायब है? कल रात वो सोया भी नहीं, मुझे लगता है वो कहीं चला गया है। क्या? तो शायद मैक्स नहीं सैंडविच खाया होगा। मेरा प्यारा बच्चा, मैं क्या करूं? मैक्स, कहाँ जा रहे लियो? बात कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ काम है। अच्छा, और तुम्हारे इस बैग में क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं है? नहीं, इसे मत लो।
से अपुन को दो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से सुजैन ने सोचा कि अपुन ने उसका सैंडविच खाया है। ये बहुत गलत बात है मैक्स। वो बात नहीं है। बुलावा आला है, तुम्हें जो कहना है बाद में कहना, चलो भिड़ू लोग। सेक्टर S-87 से बुरी खबर आई है। लगता है डैनी का भेजा एक मगरमच्छ हमारे जंगल के दोस्तों का सारा खाना खा रहा है। वो सब भूख से तड़प रहे होंगे। बिल्कुल सही, डैनी ने मगरमच्छ कांचा में एक भूख लगाने वाला वायरस डाल दिया है और उसे पूरी तरह जंगली बना दिया है। भूख लगाने वाला वायरस, कितना गलत है ये। और इतना ही नहीं, कांचा के बैक्टीरिया स्लाइम के वार से तुम अपनी शरीर की सारी शक्तियां खो बैठो। टेंशन नहीं लेने का सर, इस तरह के मगरमच्छ से अपन लोग आसानी से निपट लेंगे। हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि जंगल का सारा खाना खत्म हो जाए। फौरन निकलो और कांचा को रोको और जंगल के खाने की रक्षा करो। सर, यस सर। मिनी फोर्स तैयार हो। तैयार। चमड़ी बहुत मोटी है, हमारे वार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोग उसे खाली हाथ नहीं लड़ सकते, फोर्स वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोर्स वेपन, तैयार। फोर्स वेपन्स भी काम नहीं कर रहे, अब उन लोगों को फोर्स सोर्स से कोशिश करनी होगी। तैयार। मेरे शरीर में जान नहीं लग रही। ये है बैक्टीरिया स्लाइम की ताकत। ये बहुत बुरा है, हम इस तरह नहीं लड़ सकते। अब लोगों को और ध्यान रखना चाहिए था। पिटने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं लगता। इस छिपकली के नाना को मैं देखता हूँ। रोनी, उसके बैक्टीरिया स्लाइम से बच के रहने का, वो शक्तियों की बात लगा देगा। फिक्र मत करो, तुम खुद को साफ करो, तब तक मैं इसे निपटा दूंगा। ठीक है, इसे हटाने के लिए फोर सोर्स की हीट एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। मगरमच्छ, अब दिखाता हूँ तुझे। Force sword, tayar! भूख लगी है।
हाय दोस्तों, मैं आ गया। अब समझा, इसीलिए मैं सारा खाना ले जा रहा था। और हमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दो मैक्स। मैक्स जताना नहीं चाहता था कि वो दूसरों की मदद कर रहा है। मैक्स वाकई एक नंबर का पंटर है।